यथा कामो भवति तत्क्रतुर भवति, यत क्रतुर भवति तत कर्म कुरुते, यत कर्म कुरुते तदभी संपद्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3:21। चार पांच जिसका चिंतन करोगे वैसा ही कर्म करोगे और जैसा कर्म करोगे वैसे ही बन जाओगे। देखो छोटी छोटी बातें, एक बच्चा हाई स्कूल में फेल हो जाता है, दूसरा बच्चा भी फेल हुआ, तीसरा भी हुआ, लेकिन एक बच्चे ने चिंतन खराब कर दिया। मैं फेल हो गया हूँ, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे पापा नाराज होंगे, मम्मी नाराज होंगी, ये होगा बच्चों के सामने, मैं मेरी बड़ी तौहीन होगी, मैं तो फर्स्ट डिवीजन आने की आशा करता था, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, पर कैसे मरूं, जहर कैसा होता है मुझे तो पता ही नहीं है, कहाँ खरीदूं, तो फिर क्या करूं, पानी में डूबू, और पानी में न डूब सका तो क्या होगा, तो फिर ट्रेन में कट के मर जाऊं। चिंतन कर रहा है तो वो मर गया। फिर से पढ़ ले, एक साल और सही, काहे को मर रहा है, तेरा और भी तो तेरे साथी है फेल हुए, वो अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फिर पढ़ लेंगे क्या है। तो चिंतन का इतना बड़ा असर होता है हमारे देश में, क्या सारी दुनिया में करोड़ों लोग आजकल मेंटल हो रहे हैं, मेंटल 80 साल की उम्र नहीं, 20 साल 25 साल की उम्र में उनको कहते हैं ये मेंटल हो गए हैं। मेंटल माने क्या, माने गड़बड़ हो गया है, एक स्क्रू ढीला है, किसी का दो, किसी का तीन, क्यों, इनको टेंशन हो गया है, डिप्रेशन हो गया है। काहे का डिप्रेशन है, इनके माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दो रोटी का इंतजाम है, बात क्या है, बस चिंतन खराब कर दिया। कितनी बड़ी संपत्ति हो, चिंतन कर रहा है वो हमसे आगे है, वो हमसे आगे है, वो हमसे आगे है, उसको हम कैसे पीछे करें, क्या करें, पागल हुए। अरे तुम तो करोड़पति हो, हाँ है तो, लेकिन वो अरबपति है मेरा भाई, अरे तो है तो क्या है, होने दो, अरे नहीं मैं उससे आगे जाऊंगा। निरर्थक टेंशन पैदा करके मनुष्य पागल होता है, आत्महत्याएं हो रही हैं, उसका रीजन सुनो तो हंसी आवे। तो मन इतना बलवान है और इतना इंपॉर्टेंट है और इतना बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन मन, और कोई दुश्मन दुनिया में नहीं है। आपको परेशान करने वाला ये मन, एक ने कह दिया बेवकूफ, गधा, बदतमीज, कलेक्टरलेस, एक शब्द बोल दिया, हमको ऐसा कहा, हमको ऐसा, ये तो क्या हुआ, शब्द ही तो बोला है, तुम जो हो वो तो हो ही, शब्द बोल देने से क्या खास बात हो गई, और फिर बताओ तुम क्या नहीं हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्या नहीं है तुम्हारे पास, ऐसा कौन सा जीव है भगवत प्राप्ति के पहले जो मायाबद्ध इन सब दोषों से युक्त ना हो। हाँ है तो, लेकिन कोई कह दे तो आग लग जाती, अरे ऐसा क्यों। देखो अगर कोई पुरुष है और कोई किसी से कह दे आप पुरुष हैं, हाँ है तो क्या बात,
इतने कहते हमें स्त्री क्यों नहीं कहते, हम पुरुष हैं, तो पुरुष कह रहा श्रीवास्तव जी, हम श्रीवास्तव हैं, हमको श्रीवास्तव कह रहा। दरोगा जी, हाँ हाँ हम दरोगा हैं, हमको दरोगा कह रहा है। वो नहीं फील करता कि हमें एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, मैं दरोगा हूं, हमको दरोगा कहते हैं, ठीक है, खुश है। तो हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, सब कुछ हैं। उसी में से किसी ने कह दिया एक शब्द तो क्यों फील कर रहे हो? ये मन दुश्मन है, ये कराता है कि फील करो, पागल बनो, रो बैठ के, हम रुलाएंगे, हम मन है, तुम्हारे दुश्मन है, बैठे हैं तुम्हारे अंदर। और जो दुश्मन को पहचान ले संसार में कि ये पड़ोसी रोज रोज आता है, ये दुश्मनी करने आता है, ओ मालूम हो गया, इससे होशियार रहो, तो फिर पड़ोसी बेवकूफ नहीं बना सकता। हमको मालूम हो गया, हमको ये बेवकूफ बनाने आ रहा है। ऐसे ही अगर हम जान लें कि ये मन दुश्मन है, ऋषभ भगवान, भगवान के अवतार, उनके आगे सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा, बड़ी बड़ी सिद्धियां, उन्होंने कहा आप लोग कहां से आए, कैसे आए? उन्होंने कहा महाराज हम लोग सिद्धि है। सिद्धि हो, यहां कैसे आए? आपकी सेवा के लिए। सेवा के लिए? तुम लोग तुम लोग तो डाकिनी हो, जिसके पीछे लग जाओ बर्बाद कर दो, आउट। नकुर्जात कर्चित सख्यम मनसि हन वस्तिते। अरे मनुष्यो, इस मन पर विश्वास न करना। भागवत 5:6-3 योगिनः कृत मैत्रस्य पत्र जाये व पुंश चली। जैसे कोई करेक्टरलेस स्त्री अपने लफंगे पराये पुरुष से मिलकर के पति का मर्डर करा देती है, ऐसे ही ये मन है, मिलकर के दुश्मनी करता है, तुम्हारा दोस्त बन करके तुमको बर्बाद कर रहा है। मन कर रहा है सो जा, सो गए। अरे क्यों सो रहे हो? रात है सोने के लिए, थोड़ा भगवान का स्मरण कर लो। अरे स्मरण स्मरण फिर कर लेंगे, चलो जी सो जाओ, चलो आज होटल चले मैडम, आज होटल में खाएंगे हम लोग। लो अब मैडम भी तैयार हो गई, जा रहे हैं 2000 फूक पाक के चले आए। अरे 100 रुपए में खाना खा लेते अच्छा सा घर में, वहां क्यों गए? मन ने कहा था, तो कोई खास बात हो गई वहां? जो खाया था कल फिर वो खाने की इच्छा होगी। अगर ऐसा हो कि आज जो खा लिया कल उसका चिंतन कर लेंगे, काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। रोज वही बीमारी, रोज वही बीमारी मन की। इसलिए मन से सावधान रहो, उस पर कंट्रोल करो। आप सब लोग बोलते हैं महात्माओं के पास जाकर, महाराज जी भगवान ने मन नहीं लगाता, लगाता लगता नहीं, लगना तो सिद्धि है, लगाओ, लगाते 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 लगने लगेगा। कोई पैदा होते ही सिगरेट नहीं मांगता, शराब नहीं मांगता, चाय नहीं मांगता,
पहले शौक से ताई भाई लगा के सकरात सिगरेट मुंह में डाल के जेंटलमैन लगेंगे, खांसी भी आई कोई बात नहीं। जब महीने दो महीने चार महीने पिया तो उस सिगरेट ने पकड़ लिया, बेटा पियो हम टेंशन पैदा करेंगे, नहीं पियोगे तो। शराबी दोस्तों के चक्कर में एक दिन पी के देख ले, रोज थोड़े कहते हैं पीने को, एक बार तो देख ले। उसने कहा एक बार पी लेते हैं, अब ये कह रहा है तो अब दोस्त है मान लो इसकी बात, पिया तो शराब तो अपना काम करेंगे ही नशे की। हाँ यार है तो कुछ बात, एक बार और पी ले। अरे कभी कभी पी लिया कर इतवार इतवार को, और लग गई अब पकड़ लिया उसने। हाँ ऐसे ही हम लोग हर वस्तु में पैदा होते ही नहीं हमारा अटैचमेंट कहीं रहा, माँ में भी नहीं रहा, औरों में कौन कहे, माँ के स्तन को भी तो हम नहीं जानते थे, हम क्या जानते थे पैदा होते समय। लेकिन अभ्यास कर करके और पचासों बीमारी पैदा कर ली। हाँ हर आदमी कुछ न कुछ रोग पाले, परेशान है उसी के पीछे। ये मन दुश्मन है, इससे सावधान रहो और इसका चिंतन हरि गुरु में लगाओ तो ये दोनों शुद्ध हैं, तो मन शुद्ध होगा और वो चिंतन अंतिम समय में भी होगा तो भगवान लोक प्राप्त होगा, तो सदा को आनंदमय हो जाएगा। इसलिए कह रहा है रटो रे मन।